स्पीकिंग टॉपिक 3 यूनिट 7 स्पीड ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 1, डज साउंड ट्रेवल एट सेम स्पीड थ्रू ऑल मटेरियल्स? क्या आवाज़ जो है तमाम मटेरियल में एक ही स्पीड से ट्रेवल करती है? आंसर, साउंड ट्रेवल इन डिफरेंट मटेरियल एट डिफरेंट स्पीड। इन जनरल इट ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड देन गैसेस, इट ट्रेवल फास्टर ऑफ ऑल इन सॉलिड। ये डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। जनरली ट्रेवल्स लिक्विड में गैसेस से फास्टर ट्रेवल करती है और सॉलिड्स में ये फास्टर ट्रैवल करती है। वट इज़ एन इको, वट इज़ इट टाइम? इफ़ द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्मूथ हार्ड सरफेस, इट हर्ड डिस्टिंक्टिवली आफ्टर द ओरिजिनल साउंड, दिस इज नॉन एज एन इको। इको जिसको हम गूंज कहते हैं, जब ये आवाज़ जो है वो किसी स्मूथ हार्ड सरफेस से टकराती है तो वो अपनी असली आवाज़, इट हर्ड डिस्टिंक्टिवली आफ्टर द ओरिजिनल साउंड के बाद जो है ये हमें मुनफरिद सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई और भी वहाँ पर ऐसी आवाज़ निकाल रहा है, हालांकि आवाज़ जो है वो किसी भी सतह से टकराने के बाद दोबारा जो है वो वापस आती है। दिस इज़ नॉन एज इको, इसको हम गूंज कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी? पिच और फ्रीक्वेंसी क्या है? आंसर, द पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ हाई और लो द साउंड इज। के जो है पिच जो है वो कैसे मुराद किसी भी चीज़ आवाज़ का जो है वो ऊंचा या हल्का होना है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ रैपिडली द साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेट। ये डिपेंड करता है कि आवाज़ जो प्रोड्यूस की जा रही है वो कितनी रैपिडली वाइब्रेट कर रही है। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज़ द नंबर ऑफ द साउंड वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी जो होती है वह किसी आवाज़ के वाइब्रेशन की तादाद पर को कहते हैं। सेटअप इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो है वो आवाज़ जो है वो कितनी जो है वो वाइब्रेट कर रही है उसकी तादाद पर को जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़, उसको हर्ट्ज़ में हम मेजर करते हैं।